और अब अगली खबर, पोलैंड में हुए एक हादसे की। यहां पर दरअसल एक ट्रक से टक्कर के बाद ट्रेन पलट गई। पटरी पर ट्रेन पलटी हुई है और राहत बचाव की टीम रेस्क्यू में लगी है। तस्वीरें यूरोप के दक्षिणी पोलैंड की हैं, जहां ट्रक से ट्रेन की टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे हादसा हुआ। ट्रेन पोलैंड से जर्मनी जा रही थी। ट्रेन में हादसे के वक्त कुल 39 लोग सवार थे। इनमें से 8 लोगों को चोट लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज किया गया। और अब खबर टर्की से, जहां के बोड्रम में समंदर किनारे के पहाड़ी जंगलों में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने। इलाके में आग से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। समंदर किनारे के जिस इलाके में आग लगी है, वो इलाका पर्यटकों के लिए बेहद मशहूर है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की इस वक्त मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की आग की घटना सामने आई। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। टर्की से ये तस्वीरें आपके सामने। ये जगह पर्यटन के लिए बेहद मशहूर। आपको बता दें, आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है लगातार। और टर्की के कई इलाकों में आग लगी है। इलाके में आग से 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ABP News आपको रखे आगे।